Another video that has caught my eye is road maps, है ना. ये जो वर्ड है ये बैकलॉग जैसे ही आपके दिमाग में भर दिया, माइंड मैप्स एंड रोड मैप्स. तो रोड मैप जो ये प्लानिंग आपकी, हर महीने एक नई प्लानिंग आती है. हाउ बैड इज़ योर प्लानिंग दैट यू नीड अ प्लानिंग एवरी मंथ. ठीक है, एक नीट के प्रिपरेशन के थ्रू आउट आपको प्लानिंग में हर महीने एक नया प्लान स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट क्यों चाहिए होता है. ठीक है, सो पॉइंट इज़ कि ये दो चीज़ों पे चलता है. एक, उन बच्चों पे जो रेगुलर नहीं रह पाते, ठीक है, जो टाले जा रहे हैं अपना पढ़ाई या जो भी सब कुछ. एंड द सेकेंड इज़ दोज़ हु डिसाइड अ लिटिल लेट ऑन प्रिपरेशन. ठीक है, तो ये एक तरीके से उन्हीं बच्चों को साथ लेने की कोशिश है जो स्टार्टिंग में साथ नहीं जुड़ पाए या जुड़े थे तो फॉलो नहीं कर पाए. ठीक है, बट इट इज़ समवेयर अ गेम ऑफ ओनली क्रिएटिंग व्यूज, और इतना कुछ फ़ायदा होता नहीं है. ठीक है, अगर कोई प्लानिंग आप अपने हिसाब से नहीं कर रहे हो देन इट मेक्स नो सेंस. Nobody can plan anything for you. आपको suggestions दिए जा सकते हैं, जैसे मैंने दिए भी हैं पहले, बाकी teachers भी देते हैं, but कोई आपके लिए planning नहीं कर सकता. इसका classic example ले लूँ, जब मैं offline में पढ़ा रही थी, ठीक है, I was really lucky कि मेरे को एक ऐसी जगह पर पढ़ाने को मिला जहाँ पर parents भी काफ़ी considerate थे, बच्चे भी बहुत considerate थे, and that is somewhere I started my career and I'm really grateful to Pune. एंड पुणे के बच्चे एंड पुणे के पेरेंट्स एंड एवरीबडी, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सिखाया मुझे. दिस इज समथिंग हैपेंड. बच्ची थी मेरी क्लास में, ठीक है, एंड अ वेरी हार्ड वर्किंग किड, ठीक है, वेरी हार्ड वर्किंग, बट वही मार्क्स नहीं आ रहे. पेरेंट्स ऑल्सो एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग टूअर्ड्स हर पैशन, कि हाँ चलो इसको डॉक्टर बनाना है तो हम भी मदद करते हैं. एवरी पेरेंट्स वॉन्ट्स टू हेल्प ना. आप पीछे किसी एक बच्चे ने मुझे बोला था, किसी के कमेंट तो मैंने देखा था कि क्या मैम आपको क्या लगता है कि कोई हमारे को 11th 12th का भी नहीं पढ़ा पाएगा क्या, ऐसा थोड़ी होता है. 11th 12th का पढ़ाने में कोई इशू नहीं है, आपको तो घर के दीदी भैया भी पढ़ा देंगे, फिर क्यों दो दो तीन तीन लाख रुपये जाकर देके आते हो, है ना. सो यू पेइंग फॉर एक्सपर्टीज, यू आर पेइंग फॉर अ प्लानिंग, यू आर पेइंग फॉर रूटीन, कि आपके लिए रूटीन बन जाए. आप इसलिए पे कर रहे हो. जो खुद से कर लेते हैं ये काम वो बहुत कम होते हैं, दे वेरी वेरी रेयर. ठीक है, अब ये वही वाली बात होगी कि रोनाल्डो है, ओ माय गॉड सच अ नाइस प्लेयर, बहुत लोग निकले थे एक उसमें से रोनाल्डो है, बहुत लोग निकले थे एक उसमें से सचिन है, बहुत लोग निकले थे एक उसमें से कोहली है. ठीक है, तो डोंट सेट योर एग्जाम्पल्स बाय लुकिंग एट वन पर्सन, वन इन अ मिलियन. नो, डोंट डू दैट. एंड इफ यू आर दैट वन इन अ मिलियन यू विल नॉट लुक फॉर दोज एग्जाम्पल्स. समझ में आ रही बात. अगर आप वो क्वालिटी तो आप वैसे ही नहीं देख रहे हो दूसरों को कि कोई क्या कर रहा है. अगर आप में नहीं है वो क्वालिटी तो ये सारी चीज़ें देख के अपने आप को बहकावे में ला के एक इंसान के चक्कर में नहीं बात बनेगी. ठीक है, गोइंग बैक टू द स्टोरी, बच्चा वह पढ़ रहा है, घर वाले भी उसके साथ मेहनत कर रहे हैं, कुछ मत करो बेटा तुम, घर पर भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे को प्लानर बना के देंगे. आई हैव लिटरली सीन अ टाइम टेबल रिटन बाय अ फादर फॉर देयर किड, कि बेटा बैठो और ये करो, सुबह 6 बजे तुम उठोगे, 6:30 बजे तक नहाओ खाओ सो, जो तुम मुझसे रिक्वेस्ट करते हो ना, किसी के पेरेंट ने वो बना के दिया है. एंड अ पर्सन हु नोज सुबह शाम तक तुम कहाँ हो क्या कर रहे हो, ठीक है, उनसे बेटर नहीं जानती हूँ मैं तुमको. उन्होंने पूरा प्लानर बनाया हुआ है, इस टाइम से इस टाइम फिजिक्स का ये, केमिस्ट्री का ये, जूलॉजी का ये, इनपुट भी लिया हुआ है. जैसे हम बोलते हैं टॉपिक, आप टॉपिक लिखे हुए हैं सामने की फिजिक्स का ये टॉपिक, केमिस्ट्री का ये टॉपिक. एंड आफ्टर अ पॉइंट व्हेन वी सैट फॉर द पीटीएम, दो मुझे बोलते हैं कि मैम आपसे बिना बच्चे के एक बार ही आपसे बात करनी है. ठीक है, सो शी वॉज नॉट देयर एंड आई वॉज टॉकिंग एंड ही इज़ लाइक कि देखो मैंने सारा बना के दिया हुआ मैम, ये पढ़ती क्यों नहीं है. एंड द मोमेंट आई रियलाइज, एंड मुझे ऐसा लगा कि यार ये मुझसे बड़े हैं, इनको आइडिया होना चाहिए इस चीज़ का कि यू कैन, बच्चा सामने रोबोट नहीं है, है ना. एंड आप जब तक प्लानिंग बना के दोगे नहीं बात बनेगी. तो मतलब मैं स्टार्टिंग में, जब तो तुम्हें अब लगता है कि मैं ब्लंट हूँ, है स्टार्टिंग में तो मैं और एकदम मुँह फट, ठीक है, अब तो मैं फिर भी थोड़ा मेलोडाउन हो गया जिंदगी में. तो द पॉइंट इज आई कैन वेट दिस पॉइंट. उनको भी बोला मैंने, सर आप प्लान कर रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला एग्जैक्टली वैसे ही चलेगा. दिन में 4 बार मूड बदलते हैं, महीने में 10 मूड होते हैं बच्चे के, कुछ भी हो सकता है ना.
कभी ज़्यादा अच्छा फील कर रहा है, कभी लो फील कर रहा है, कभी एनर्जी है, कभी नहीं है। तो आप इतना स्ट्रैटेजी और इतना ज़्यादा वो मेंटेन करोगे, इतना एग्जैक्ट ऐसे चलना है, वो कैसे कर पाएगा बच्चा? वो नहीं कर सकता, एंड दैट टू वेरी पैक्ड। ठीक है, तो मैंने उनको फिर बाद में सजेशन दिया था विच ही अंडरस्टूड एंड विच इज़ वेरी नाइस। अगर कोई मतलब अपनी से छोटी उम्र के इंसान से भी कोई इस चीज़ पर सजेशन ले जाए, मतलब यूजुअली आई हैव सीन पेरेंट्स हु डोंट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, दे थिंक कि हाँ ठीक है ये कल के आए बच्चे हमको क्या सिखाएंगे, तो आई अंडरस्टैंड दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ही वॉज समबडी हु थॉट कि यस यू आर राइट, ये नहीं पॉसिबल है, शायद मैं ओवर प्लान कर रहा हूँ, शायद मैं ज़्यादा स्पून फीड कर रहा हूँ बच्चे को कि वो अपने आप से ये सब चीज़ें करना छोड़ ही दे रहा है। आप समझ रहे हो, पूरा नीट का प्रिपरेशन इज़ नॉट जस्ट सिलेबस। आप प्लानिंग सीखते हो, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखते हो, आप वो सारा चीज़ अगर आपके लिए कोई करके देगा देन यू लॉस्ट। आप वो काम करना ही नहीं जानते। आप कॉलेज में जा रहे हो, फर्स्ट ईयर जा रहे हो, सेकेंड ईयर जा रहे हो, आप फर्स्ट ईयर में घुसे, अब मेरे टाइम टेबल कौन बनाएगा, मैं कैसे पढ़ते कैसे, स्टार्ट कैसे करते दिन, कौन से सिलेबस, क्या चैप्टर, ये सारी चीज़ें ही तो सीखनी है थ्रू आउट दिस प्रिपरेशन। डोंट एक्सपेक्ट समबडी टू मेक अ रोड मैप फॉर यू, दैट इज़ वाई दे फेल, दैट इज़ वाई एवरी मंथ यू हैव वन न्यू वीडियो ऑफ रोड मैप बनाते हैं, चलो आओ रोड मैप बनाते हैं, और रोड मैप ऐसे ही बन रही है जैसे रोड बन रही है फर्जी। ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, एक हाइपोथेटिकल, एक टू गुड टू बी ट्रू टाइम टेबल कोई भी बना सकता है, उस पर स्टिक करने का पॉसिबिलिटी ही नहीं है। आपको अल्टीमेटली खुद देखना है, मैंने हमेशा बोला 100% नहीं भी सिलेबस करोगे चलेगा, 70-80% सिलेबस कर लो, वो भी अच्छे से कर लो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन कवरिंग द होल सिलेबस। छोड़ दो ना एक दो चैप्टर, तुम छोड़ो ना टीचर हो के तुमको सब कुछ आना चाहिए, यहाँ टीचर्स को नहीं आता, वो छोड़ छोड़ के आ जाते बोले अरे छोड़ो ये पूरा प्लांट किंगडम पढ़ लेना, बकवास है, रटने का रट लेना, वहाँ टीचर छोड़ छोड़ के आ रहे। तुम तो स्टूडेंट हो, तुम एक चैप्टर छोड़ भी दोगे फिजिक्स का केमिस्ट्री का चलेगा, डोंट गो फॉर इट, बट जो आता है वो ढंग से आता है, जो प्रॉपरली आता है। प्लान ऑन योर ओन, आपको खुद से प्लान करना आना चाहिए, नहीं कर सकते हो सीखो, ट्रायल एंड एरर करो। एक हफ्ता एक प्लान बनाया, नहीं अच्छा लगा, ठीक है दूसरा करते हैं, दूसरा करते हैं, चेंज करते हैं, मेरे लिए क्या सूट करता है, पर्सनलाइज मैं क्या कर सकता हूँ। इफ़ एनीबडी एल्स इज मेकिंग अ टाइम टेबल फॉर यू, इट्स अ वेस्ट, दो दिन से ज़्यादा नहीं टिक पाओगे, मुश्किल से मुश्किल तुम 5 दिन, एक हफ्ता मुश्किल से मुश्किल खींच पाओगे, वरना वो भी नहीं। ठीक है, प्लान योर ओन पढ़ाई, प्लान योर ओन डेज, प्लान इट ऑल ऑन योर ओन, गड़बड़ होगी सीखोगे। ठीक है, और वही ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस सिर्फ एक नीट का पेपर टिक करके निकलने का नहीं है, आगे पूरा मेडिकल करियर बैठा है जिसमें ये सारी चीज़ें काम आएंगी। यू नीड टू लर्न ऑल दीज स्किल्स। ठीक है, आई होप दिस हेल्प, स्टॉप फॉलोइंग फॉर अनदर रैंडम क्लिकबेट्स ऑनलाइन। ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन एंड सक्सेस।